बोकारो सदर अस्पताल में निरंतर डॉक्टरों की लापरवाही के प्रश्न उठते आए हैं। आज प्रसूति के बाद महिला की मृत्यु का आरोप सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया गया। परिजनों के अनुसार कल गुरुवार को बोकारो के दुंदीबाग के रहने वाले राबड़ी देवी को प्रसूति के लिए बोकारो सदर अस्पताल लाया गया था, जहां नॉर्मल डिलीवरी की बात कहने के बाद ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। वहीं आज सुबह महिला की स्थिति बिगड़ी तो उन्हें नर्स के द्वारा इंजेक्शन दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही महिला का शरीर नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृतक महिला के पति गोलू कुमार ने बताया कि यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं रहते और उपचार में भी लापरवाही की जा रही है। इसी लापरवाही के चलते आज मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है और जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं हो जाती हम अपनी पत्नी का शव नहीं उठाएंगे। वहीं परिजनों के हंगामे के बाद BDO मिथिलेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कमेटी बनाकर लापरवाही के आरोप पर जांच करेंगे और यदि दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। परिजन कार्रवाई की बात पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद ही पोस्टमार्टम करने की बात कह रहे हैं। विषय है, इन लोगों को मैं बताया है कि यदि लापरवाही डॉक्टरों ने की है तो अभी हम लोग CA साहब से बात कर लेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर पोस्टमार्टम में लापरवाही हुई होगी तो कार्रवाई होगी। हंगामा करने से तो यहाँ बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगा। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। हम लोग गार्जियन को कह रहे हैं कि कृपया आप लोग शांत हो जाइए, जो नियमानुसार होगा पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा और जो हमारा यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं उनकी बातों की हम लोग सुनेंगे और फर्दर रिपोर्ट आने के बाद ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। सीरियस पोजिशन में आप देख रहे हैं कि ICU में एक भी बेड खाली नहीं है। आप जाके देखिए, ICU में एक भी बेड खाली नहीं है। यहाँ पर मरीजों का पूरा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे इलाज तो हो रहा है ना, अगर इनके केसेस में नेग्लिजेंसी हुई है तो कार्रवाई हो। हम लोग मॉर्निंग से एडमिट किए उसको, वाइफ को, डिलीवरी पेशेंट थी, बोला कि नॉर्मल होगा। फिर 12 बजे के लमसम में बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया सब कुछ, 237 में बच्ची भी हुई, 237 में हुई तो फिर बच्ची को एडमिट कर दिया। बच्ची भी पोटी खाई अच्छी की थी तो बच्ची को एडमिट कर शीशा वाला रूम में SNC में। उसके बाद फिर उसको सब कुछ करके उसको फिर इंसुलेशन वार्ड के बगल में वहाँ रूम है उसमें डाल दिया उसको, वाइफ को मेरा। और वहाँ पर सब कुछ अच्छी हुआ, अपना रात तक ठीक थी। आज मॉर्निंग में उसका शरीर सूना पड़ने लगा। वहाँ नर्स थी, नर्स को मम्मी बोली, मेरे मम्मी रात को यहाँ पर थी तो नर्स सुनी नहीं, बोली कि उस तरह होता है, बोले और 2 सुई दे दें उसका जिससे आप लीजिएगा। छटपटाने लगे तो मम्मी बोले कि छटपटा रही, तो बोले कि सुई दिए इसलिए छटपटा रही है। फिर पूरा जब अरे हुटुकने लगी धीरे धीरे तो सांस बहुत मैंने कम बचा हुआ था उस टाइम आया तो उस टाइम पता नहीं क्या क्या चेकअप किया, ये उंगली मेथी डालकर सब चेकअप किया। उसका फिर ICU में लाया, ICU में आया तब ऑक्सीजन मरने के बाद डाला। उसमें नर्स का पूरी लापरवाही है। जब डॉक्टर अनामिका सिंह जो ऑपरेशन की थी अपना पेशेंट को एक बार देखने नहीं आई, मेरा पेशेंट कैसा है कैसा नहीं है। मॉर्निंग में इतना कहानी हुआ, मॉर्निंग अभी तक कोई नहीं आया वहाँ पर, बच्चे एसएनसी में भर्ती है।